दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के मनोविज्ञान विभाग में मंगलवार को मनोविज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम सागर नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में डॉक्टर नाजिस बानो एसोसिएट प्रोफेसर संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर अनुपम नाथ त्रिपाठी मौजूद रहे। प्रोफेसर धनंजय ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस संबंध में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के मनोविज्ञान विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर अनुभूति दुबे ने बताया कि यह पुस्तक डॉक्टर नाजिस बानो के शोध कार्य पर आधारित है जो प्रोफेसर अनुपम जी के कुशल निर्देशन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर अमृतांशु शुक्ल, डॉक्टर रामभूषण, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर रीना मालवीय और विद्यार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की मनोविज्ञान की विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर अनुभूति दुबे ने कहा। डॉक्टर नाजिस बानो सर अब बुक एक मिनट। हाँ उपस्थित हमारे सभी मेरे एसटी गेस्ट और अपने क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ और विद्वान, मेरे लिए ये एक बहुत अलग सा अवसर है कि हम लोगों ने आदरणीय डॉक्टर नाजिस बानो मैम ने अपनी पुस्तक के विमोचन के लिए मुझसे आग्रह किया। तो मुझे लगा कि हम लोग, हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग है और उसके साथ हमारे तीन बहुत विशिष्ट अतिथि हमारे विषय विशेषज्ञ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, तो अगर इस पुस्तक के विमोचन को एक साथ क्लब कर दिया जाए तो शायद विभाग के लिए भी एक ये अलग तरह का अवसर होगा। तो इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर प्रेम सागर नाथ तिवारी सर, इस पुस्तक की जो रेखा बनी होगी उसकी जो नींव की ईंट है वो जिन्होंने रखी आदरणीय प्रोफेसर अनुपम त्रिपाठी सर, जिनके निर्देशन में ये शोध कार्य आज से बहुत साल पहले, दो दशक पहले शायद संपन्न हुआ था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसकी प्रासंगिकता आज भी इतनी है कि इतने समय बाद, एक दशक पहले, तीन दशक पहले। तो अब मेरी अल्पज्ञता यही है कि मुझे अभी यह भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे मैं समझ सकती हूँ कि ये इतना पहले का किया हुआ कार्य भी आज इतना प्रासंगिक है कि एक पुस्तक के रूप में आ रहा है। और मुझे लगता है कि जो लोग भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे, नए शोधार्थी भी और जो अन्य लोग भी जो कि स्मृति के क्षेत्र में, इस कहानियों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये पुस्तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक साबित होगी। मेरे अध्यक्षता में ये मेरी ओर से पहली इस तरीके की औपचारिक बैठक है, तो उसमें बहुत सारी, हो सकता है प्रोटोकॉल का मुझे बहुत ज्ञान ना हो, कुछ गड़बड़ियाँ होने की संभावना है, तो आपसे मैं पहले ही स्वागत करने के साथ साथ पहले ही माफ़ी मांग सकती हूँ कि मुझे बहुत छोटा समझ करके आप लोग उसको नजरअंदाज करेंगे। और इस मीटिंग में हमारे तीन विषय विशेषज्ञ आदरणीय प्रोफेसर आरती मिश्रा सर जो ऑनलाइन जुड़े हैं और उन्होंने मेरे इस निवेदन को स्वीकार किया, आदरणीय प्रोफेसर आनंद प्रकाश सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से बहुत सादर नमन कि आपने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया। और मैं जैसा देख पा रही थी आदरणीय प्रोफेसर मधुरमा प्रधान मैडम, मुझे दिख रहा है वो शायद बाहर में है और अपनी सारी व्यस्तता के बावजूद भी इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत लंबा समय ना लेते हुए मैं धनंजय जी को पुनः माइक सौंपूंगी और कि वो आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ावे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर अनुभूति दुबे, अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। ये एक शोध कार्य यहाँ पर हुआ था स्मृति के क्षेत्र में कि जैसे हम जो कहानियाँ याद करते हैं, जो कहानियाँ बचपन से सुनते हैं, तो उन कहानियों को हम किस तरीके से अपनी स्मृति का हिस्सा बनाते हैं और वो कैसे जीवन पर्यंत हमारे स्मृति का हिस्सा बनी रहती हैं, तो उसके पीछे क्या प्रक्रियाएँ काम करती हैं, और उस संबंध में एक
शोध कार्य हुआ था उसी शोध कार्य के से जो थीसिस जमा हुई थी उसी पर ये पुस्तक के रूप में आज सामने आ रही है, जिससे कि हमारे दूसरे शोधार्थी भी और आम जनमानस भी इससे लाभान्वित होगा जी। किसके द्वारा लिखी है ये पुस्तक? लिखी गई है हमारे यहाँ की पूर्व छात्रा रही हैं और अब वर्तमान में वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया में, डॉक्टर नाजिश बानो मैम जी, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और अपनी थीसिस को ही उन्होंने पुस्तक के रूप में इसको परिवर्तित किया है और इस रूप में ये सामने आई है जी।